डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल इंटीग्रल करने वाले हैं, 1/sin x + sec x। अगर आपको ये इंटीग्रल आ जाता है तो आपको कई इस तरह के इंटीग्रल्स हैं, जैसे इसका आप देखिए 1/cos x + cosec x, बिल्कुल इसी की टेक्निक से इंटीग्रेट होगा। आप ये देखिए sin x + cos x / 9 + 16 sin 2x, ये इंटीग्रेट होगा। अगर आप इसमें 0 to π/4 लिमिट लगा देते हो तो आपका ये NCERT का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी टेक्निक से आप चाहें तो sin x + cos x / sin x^4 + cos x^4 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स सी हाउ टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल। तो सबसे पहले आपको sec x को ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको 1/, यहाँ पर लिखना होगा sin x + 1/cos x dx, और आपको LCM लेना पड़ेगा। LCM जब आप लेंगे तो ये LCM लेने के साथ आपके पास हो जाएगा cos x, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा cos x * sin x, तो आप इसको लिख पाएंगे 1/sin x * cos x + 1, और जो अपॉन में cos x आएगा, ये अपॉन वाला cos x, ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 की जगह में आ जाएगा cos x dx। अब आप और एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, sin x cos x है। एक मैं आपको पहले छोटा सा एक हिंट दूं कि आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको थोड़ा सा कुछ विजन बनेगा। आप इसको अगर 2 sin x cos x, कहाँ आता है 2 sin x cos x, आता है आपने देखा होगा sin x + cos x होल स्क्वायर। अगर sin x + cos x होल स्क्वायर को आप एक्सपांड करेंगे तो आपके पास एक टर्म आएगी, sin² x + cos² x 1 हो जाएगा प्लस 2 sin x cos x आ जाएगा, 2 sin x cos x आ जाएगा। तो देखिए आप, ये कुछ जो लिखा हुआ है ये 2 sin x cos x लिखा हुआ है बस। अब इसमें एक और बात हो सकती है, जब आप माइनस का एक्सपेंशन करेंगे, sin x - cos x होल स्क्वायर का भी करेंगे तो भी आपके पास आएगा sin² x + cos² x 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। तो इसका मतलब है कि नीचे वाली चीज़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, sin x + cos x होल स्क्वायर + something, sin x - cos x होल स्क्वायर + or - something, फिर क्या करेंगे, फिर इसको t रखना होता है। तो जब हम इसको t रखेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, वो तो दिख रहा है हमें, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, या माइनस वाले को देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाले को देखोगे तो cos x - cos x का डेरिवेटिव - sin x। तो हमें ऊपर केवल cos x की ज़रूरत नहीं है, हमें cos x - sin x और cos x + sin x ऐसी कुछ ज़रूरत है। तो जब आपको ऐसी कुछ ज़रूरत है तो आप इसको ऐसा लिखिए, 2 cos x को लिख दें आप cos x + sin x + cos x - sin x। देखिए जो मैं आपको कह रहा था वो ज़रूरत लगभग पूरी होती दिख रही है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 sin x cos x + 2, 2 sin x cos x + 2 dx इज देयर। अब आप इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, पहला पार्ट cos x + sin x / 2 + 2 sin x cos x dx प्लस, अब दूसरा पार्ट है cos x - sin x / में क्या आएगा आपके पास 2 sin x cos x + 2 और into dx। देखिए जो पहला वाला पार्ट है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है,
ये साइन एक्स प्लस ये डेरिवेटिव किसका है, तो ये डेरिवेटिव है साइन एक्स का, ये डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स का। तो यहाँ हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कैसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो होता है वन, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स, पर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो कोई चिंता की भी बात नहीं, आप इसको ऐसा लिख दें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। देखो हमने ऐसा कर दिया, माइनस क्रिएट करना था तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। दूसरा जो केस है वो सिंपल है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू, तो टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू को इस तरह से लिख देते हैं वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव है साइन एक्स का और ये डेरिवेटिव है प्लस कॉस एक्स का। अब इसको हम अगली स्टेप में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। और इस केस को देखिए इधर क्या होगा, तो इधर थोड़ा सा छोटा सा एक एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टू को लिख दिया मैंने थ्री माइनस वन। ध्यान से देखें थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन टू माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस। अब दूसरा पार्ट है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो वन प्लस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी इसे ऐसे ही लिखते हैं दोनों को साथ साथ में, दोनों में इस वन की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह लिखते हैं दोस्तों साइन वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स थ्री इज रूट थ्री स्क्वायर, माइनस वन को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये वन जो पहला वन है इसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरे वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज देयर। ये आ गया आपका इंटीग्रल यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे जो पहला पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं, इस पहले पार्ट को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट थ्री स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज देयर प्लस प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अगेन डी एक्स इज देयर, डी एक्स रहेगा। अब जो पहला पार्ट है इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यू रख देंगे और दूसरा पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको वी कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या, कैन दिस बी डन, यस इट कैन बी डन एंड इट शुड बी डन। या फिर आप फिर दो पार्ट में इसको अलग अलग ले लें, इसको आई वन और आई टू, आई वन को अलग से इंटीग्रेट करें आई टू को अलग से इंटीग्रेट करें, तब फिर पॉसिबल है। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखिएगा, अभी आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यू लिखें, यू लिख दिया आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो डी यू बाई डी एक्स विल बी वॉट, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके बाद du क्या होगा? तो ये du हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। और दूसरा वाला जो पार्ट है, इस दूसरे वाले पार्ट में हम v इज इक्वल टू रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बनेगा dv बाय dx, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो dv की वैल्यू आएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो ध्यान से देखें, ये जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये वाला पूरा ये du से रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा du। और अपॉन में देखें, अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है रूट थ्री स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर था, तो मतलब यू स्क्वायर, तो ये आपका पहला वाला इंटीग्रल है। और दूसरा इंटीग्रल देखिएगा, दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर डेरिवेटिव था उसका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो हो जाएगा डी वी, नीचे हो जाएगा आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर। तो अब हमें केवल इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए जो ये फॉर्मूले लिखे हैं आपके पास, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है, वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बेस ई, और दूसरा इंटीग्रल है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वैसे इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद होगा कि ये डेरिवेटिव होता है टैन इनवर्स वी का, चाहे तो आप फॉर्मूला लगाएं तो भी यही आएगा, और वन अपॉन ये हो जाएगा टू रूट थ्री लॉग ऑफ रूट थ्री प्लस यू अपॉन रूट थ्री माइनस यू। और अब प्लस सी जरूर लगाएंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट। आखिरी में एट द लास्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ यू एंड वी, तो यू का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, तो यू का वैल्यू देखिएगा, यू का वैल्यू है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो दैट इट बिकम्स वन अपॉन टू रूट थ्री लॉग ऑफ रूट थ्री प्लस यू, यू मीन्स दिस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बेस इसका ई रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, वरना आप एल एन लिखेंगे। और यहां पे आप दूसरे वाले के लिए प्लस टेन इनवर्स वी, तो ये हो जाएगा आपका प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। अब जो ये था इसका इंटीग्रल, होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक खबर पहुंचाएं, आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ाएं। दूसरा इंटीग्रल जो मैंने आपको लिखा था, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस कोसेक एक्स, आप इसको जो दूसरा इंटीग्रल था इसको भी इसी टेक्निक से इंटीग्रेट करेंगे, कोसेक को वन बाय साइन लिख देंगे, ये ऊपर जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वन, फिर आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर आप इसको साइन एक्स टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, फिर इस इंटीग्रल को दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे, एक में आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसके नीचे आप बनाने की कोशिश करिएगा। मैं देखो आपको हिंट दे देता हूँ, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको आप लिख पाएंगे रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन माइनस, जैसा उसमें किया था, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। और इस वाले के लिए आप जो आपके पास था, आपके पास था टू प्लस, तो इसको लिख देंगे वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको आप
ब्रेक कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और रूट थ्री ध्यान से देख, इसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर से बताइएगा। इस इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट करें और मुझे खबर करें। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आएगी आपको कि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो इसमें अगर आप प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको उल्टा करके लिख दें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो बस इतना इसमें अंतर आएगा। इस इंटीग्रल में दोनों इंटीग्रल सेपरेट हो जाएंगे, डी एक्स ऑफकोर्स होगा वहाँ पे, यहाँ पे भी डी एक्स होगा, इसमें टी रख यू रख दीजिएगा, उसको वी रख दीजिएगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से इसको इंटीग्रेट कर दिया। जो थर्ड इंटीग्रल लिखा था मैंने आपको, वो लिखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 साइन 2x, ये भी बहुत पॉपुलर इंटीग्रल है। अब इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको 16 को बाहर निकालना होगा। 16 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, यहाँ आ जाएगा 1/16, ये साइन 2x हो गया। अब साइन 2x का आपको मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9/16 प्लस साइन 2x, साइन 2x होता है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन हमें इसमें यहाँ पर इसको देखिए आप, हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसे लिखना पड़ेगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, पर हम उसको -2 साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो प्लस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस यहाँ पर लगा देंगे, अब वो ठीक हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, वापस से यही हो गया। अब ध्यान से सुनिए, हमें इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1 हम ऐड कर देंगे। अब जब हमने यहाँ 1 ऐड कर दिया तो देखिएगा क्या होगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 1/16 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और 9/16 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 25/16, 25/16 को आप 5/4 होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। फिर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब आप टी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा डी टी। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो इसका आ जाएगा इंटीग्रल 1/2 × 5/4 लॉग ऑफ ए प्लस टी बेस ई ए प्लस टी, तो इसको लिख दिया 5/4 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका 5/4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया है, आप एलसीएम भी लेंगे फिर बाद में और थोड़ा कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिएगा आपका कौन सी चीज़ किससे कैंसिल होगी वो आप समझ लें, ये आपका 4 भी कैंसिल कर सकते हो इससे, 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 लॉग ऑफ इधर 5 + 4 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स अपॉन में 5 − 4 साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, और दोनों के अपॉन के 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉरी। और जो आखिरी क्वेश्चन था ये आप ट्राई करिए, आप मुझे बताइए कि आपने कैसे किया। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। क्वेश्चन ये था, इन केस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्टी डाउट वी विल बी सॉल्विंग दिस इन सम अदर वीडियोज़। अगर आप
अपनी क्लास 12th क्लास के वीडियोस देखना चाहते हैं सारे चैप्टर्स के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक है, आप क्लिक करेंगे, आपको 12th क्लास के सारे चैप्टर्स के वीडियोस वन बाय वन मिलेंगे। इसी तरीके से आप जेई के देखना चाहते हैं तो जेई की लिंक को फॉलो करेंगे तो यू विल सी ऑल द वीडियोस। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट।